कम है कि मिल जाए वापस, क्योंकि उन्होंने ना ब्लूटूथ की लगाई है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है बात करने का ना गूगल वगैरह से. लेट्स सी, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि हम ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं यूट्यूब को बताने के लिए. और या फिर दूसरी बात है कि इतने गलत टाइम पे है, को आए ना कि 15 अप्रैल और मतलब 15 और 16 को ना गूगल की पेमेंट ट्रांसफर होती है और मेरी 2 महीने की पेमेंट उसके अंदर, और 22 को वो निकलवा लेगा. और खैर कोई बात अभी ना मैं वो ईद तैयारी की वीडियो लगाई थी, मैंने एडिट करके उसको अपलोड करने के लिए मैंने मोबाइल उठाया. मैं रात में हर टाइम मोबाइल नहीं होता ना, मैं सिर्फ जिस टाइम वीडियोस अपलोड करती हूँ या कमेंट्स के आंसर करती हूँ सिर्फ तब होता है मेरे पास मोबाइल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग. उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे जी. तो आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ नताशा वकास के लिए. उनका चैनल जो है वो किसी ने हैंग कर लिया है. ये बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है, एक व्लॉगर के लिए बड़ा तकलीफ़ देह अमल है ये, क्योंकि एक चैनल बनाना, फिर उसको मोनेटाइज करवाना, फिर एडसन पिन के लिए अप्लाई करना, फिर उस पिन का वेट करना, तो ये बड़े प्रोसीजर होते हैं एक व्लॉगर के लिए. और फिर सबसे बड़ी बात कि उसका अपनी फैमिली को जो है वो बहुत पीछे करना, अपने बच्चों की तरफ से आपको जो है वो थोड़ा अपने चैनल के लिए टाइम निकालना पड़ता है. तो नताशा वकास जो हैं उनको हम सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वो बड़ी बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं. तो बदकिस्मती से उनका चैनल हैंग कर लिया गया है. ये कुछ टाइम पहले जो हैं तनवीर भाई जो हैं, तनवीर भाई टैग, उनका चैनल भी हैंग कर लिया गया था, लेकिन उनको उनका चैनल वापस मिल गया है. हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि नताशा वकास का चैनल भी उनको वापस मिल जाए. सभी यूट्यूबर्स जैसे नौश आपी हैं और बाकी सारे यूट्यूबर्स उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी उनके लिए आज वीडियो बनाऊं. और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला तनवीर भाई की तरह नताशा वकास को भी उनका चैनल वापस मिल जाएगा. अल्लाह हाफिज़.